नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल AmyBabble में। आपने अपने इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले डिवाइस पर MAC या कहें तो मैक एड्रेस देखा होगा ही, या फिर कहीं पर ये टर्म सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैक एड्रेस और मैक स्पूफिंग क्या होती है। ये सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल या जियो कहें तो वो सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है राउटर को, और उसी राउटर से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। आईपी एड्रेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उसको। आजकल एक ही राउटर से कई सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, तो राउटर हर डिवाइस को लोकल आईपी दे देता है, और वो लोकल आईपी आपके डिवाइस की मैक आईडी से एसोसिएटेड होती है, जिसकी वजह से ही आप जिस डिवाइस पर जो वेबसाइट खोल रहे हैं वो बस उसी डिवाइस पर ओपन होती है। अब आप सपोज करो कि आपके किसी फ्रेंड ने आपके इंटरनेट से कनेक्ट होकर कोई इलीगल काम कर दिया तो कैसे मालूम होगा? जी हाँ, वो MAC या कहे तो मैक एड्रेस से ही पता होता है, क्योंकि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सारी डिटेल्स होती हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैक एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो पाने वाले हर डिवाइस को उसका मैन्युफैक्चरर देता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और इसमें मेनली 6 ग्रुप ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। वैसे तो यह कहा जाता है कि मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, पर कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू मैक एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है, और इसी प्रोसेस को मैक स्पूफिंग कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DNS के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए AmyBabble को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।